हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग्स विद डीएस। लाइफ इज ब्यूटीफुल। अभी बाहर है और यहाँ पे देखो प्रकेत भी है। राहुल तो स्कूल गया आज। प्रकेत का छुट्टी है, ऑनलाइन क्लास छुट्टी है, तो ये आज मुझे परेशान कर रहा है सुबह से। अभी देखो सुबह से इसको मैंने पानी दिया था पीने को, जो सुबह हम लोग पिता दर्द वगैरह दे के पानी बनाते वो दिया था। अभी तक इसने वो पिया नहीं है। ब्रेकफास्ट कर लिया है, अभी पी रहा है। मतलब 8 बजे से दिया हुआ था, अभी बजे है 10, अभी पी रहा है। ठंडा भी हो गया, ये खा पी के क्या फ़ायदा है पता नहीं इसको। और प्रकृत क्या बोलना चाहते? कुछ नहीं बोलना चाहता ये। बाहर का मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडा ठंडा हवा भी चल रही है, और इसलिए मैं प्रकृत को लेके यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आई हूँ। अभी तो घर भी नहीं साफ़ किया मैंने, घर भी साफ़ करना पड़ेगा और काफ़ी काम बाकी है। आज मेरा कुकिंग डे भी है तो वो भी करनी है। कल रात को मैं अच्छे से सो नहीं पाई थी, वही सेम चीज़ ही मेरी दिमाग में पूरा दिन वही चल रहा था। जब भी मैं ऐसे न्यूज़ देखती हूँ ना तो पता नहीं मेरा चैन चला जाता है। सो कल ही मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट सिद्धार्थ के मतलब क्या हो गया था, तो ये सब कुछ ही ना दिमाग में पूरा दिन चला, तो पूरा लेट सोई थी कल रात को। सो एनीवे, तो आज का जो ब्लॉग है मैंने आपको बताया भी है। आज का ब्लॉग होगा मैं कैसे राइस बनाती हूँ, और ये जो वे है ये किसी किसी को पता नहीं है। कुछ कुछ लोग तो मतलब कुकर में वैसे राइस बना लेते हैं, बट उसमें यू नो वो पानी को आई थिंक फेंक देते हैं। सो मैं जैसे हम लोग जैसे राइस बनाते हैं मतलब कुकर में बनाते हैं, बट हम उसमें से पानी वगैरह नहीं फेंकते। पानी तो रहता ही है उसमें, बट वो जो बट जो राइस होता है वो बिल्कुल ही यू नो मतलब चिपकी हुई नहीं होती है। मतलब जैसे आप राइस खाते हो वैसे ही होगा, बट पानी हम लोग नहीं फेंकेंगे। सो अब देखो कैसे बनाती हूँ। चावल है तो वो मैं लूँगी, ठीक है। पहले मैं इसको मेजरमेंट करके डाल देती हूँ कुकर में, आप देखो। फिर इसको मैं वॉश करूँगी कुकर में, नहीं वॉश करूँगी अच्छी तरह से। तो मैंने इसमें 5 कप्स, ये जो कप है मेरा इसी में मैंने मेजरमेंट करके 5 कप्स डाला है, क्योंकि हम 5 हैं तो 5 ही मैं डाल रही हूँ, ठीक है। वॉश भी कर लेती हूँ मैं। अभी हम इसमें पानी डालेंगे। सो पानी का जो है, आप अगर 3 कप्स ले रहे हो तो आपका पानी यहाँ तक होना चाहिए। अगर आप 4 या 5 कप्स ले रहे हो तो आपका पानी जो है ये यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक। ये आपकी हाथ की उंगली का ये जो निशान है, यहाँ तक आप 5 कप्स पानी अगर डालते हो तो यहाँ तक होना चाहिए पानी। तो जैसे आप इसको उंगली ऐसे डुबाओगे तो देखो यहाँ तक मेरी उंगली आ गई, तो इसका मतलब ये 5 कप्स अगर आप ले रहे हो तो यहाँ तक आपका पानी आना चाहिए, ठीक है। गैस ऑन कर दिया। एक और मेरा काम कंप्लीट हो गया है, बस मैं अभी ये चावल जल्दी से बन जाए उसके बाद में जाके नहाऊंगी अच्छे से। सुबह तो वैसे मैंने सुबह उठ के 6 बजे नहा लिया था, फिर भी मैं एक और बार यू नो ये रसोई का काम वगैरह करके मैं फिर से नहाऊंगी, आके फिर लंच करूंगी एंड देन थोड़ा सा मैं नैप लूँगी। ओके, सो प्रकेत राहुल तो आ गया था आज, जल्दी आ गया था, 12 बजे तक आ गया था, तो उसने भी आके रोटी वगैरह खाया था। तो अभी बच्चे भी ऊपर अभी नहा रहे हैं, उसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर, मेरा चावल हो जाए जल्दी जल्दी। सो अभी 2 सीटी बज गए हैं मेरे, मतलब मेरा चावल कम्प्लीट हो गया है। तो चलिए चावल ये कुकर में खोलती हूँ, खोलती दिखाती हूँ आपको कैसे चावल बना है। ये দেখো বন্ধুরা পুরো ঝরঝরে ভাত আছে, মানে তোমাকে জলটা ড্রেনও করতে হলো না কিন্তু ভাত তোমার ঝরঝরে হয়ে গেল। সো এই টেকনিকটাই কাজে লাগো, দেখবে খেতেও ভালো লাগবে আর তুমি প্রোটিনও পাবে এর থেকে ভালো।